हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ। आज मैं आपको ऐसी रमजान स्पेशल स्वीट दिखाने वाली हूँ। बहुत इजी है, टेस्टी है एंड घर में आपके पास इजीली सब सामान होगा। ना हमें इसमें मावा चाहिए, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं चाहिए। सबके घर में टोस्ट रहती है, बिकॉज सब चाय के साथ वो खाते है, तो ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, देख लो ये दूध है मेरा, आई थिंक अढ़ाई कप दूध है। एंड इसमें ये एक कटोरी छोटी मलाई ऐड करती हूँ। मलाई हो तो मलाई, क्रीम हो तो क्रीम, दोनों में से कुछ नहीं हो तो अभी घर का है चला लेना। अभी इसको जल तो गया, अभी इसको पकने के लिए रखती हूँ। और इसमें दो चम्मच, अभी ज्यादा शक्कर नहीं डालने की, एक चम्मच ये दो चम्मच बस, ज्यादा हमको शक्कर नहीं चाहिए। इसको अच्छे से पकने देती हूँ रबड़ी को। और दूसरे गैस पे क्या करती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। ये गैस चालू की, तवा रखी मतलब पैन, इसमें ऐड करती हूँ ये शक्कर, पानी ली मैं एक सेकंड, और इसमें ये पानी ऐड करती हूँ। बस हमको इसकी चाशनी करने की है। तो वेरी इजी सिंपल है स्वीट्स, आप ये जरूर बनाना, बिकॉज सबके घर में टोस्ट भी रहता है और इतनी महंगी नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी रेसिपी में कंडेंस मिल्क, मावा, मिल्क पाउडर वो अवॉइड करूँ, बिकॉज या अभी लॉकडाउन की वजह से किसी को मिल नहीं सकता, या फिर जरूरी नहीं कि सबके घर में वो हो। मेरे घर में मिल्क पाउडर वो तो है, रहता है, और मावा भी पप्पा लाते हैं, पर ट्राई मैं करती हूँ कि ऐसी ऐसी रेसिपी बना। तो इसको थोड़ा पकने देती हूँ और ये दूध को भी बेचारे हमारे पकने देती हूँ। फिर इतने क्या बातें करूँ बाबा, सो बाय। अब देख रहे हो हमारे ये जो शक्कर की चाशनी वो अच्छे से पक गई है। अभी गैस बंद करती हूँ। अच्छे से हो गए, इधर दूध को भी देख सकते हो। अभी इसमें ये दो कुटी हुई इलायची डालती हूँ, ये ऑप्शनल है बट मुझे अच्छा लगता है, सो मैं डालती हूँ। पर अभी रबड़ी को तो थोड़ा पकने देने का है। और इसमें ये बादाम कटी हुई वो डालती हूँ, तो इसको तो थोड़ा पकने देती हूँ। अभी क्या करने के वो भी बता दो साथ में। ये हमारी जो ये शक्कर है ना, अभी इसमें ये हमारी जो टोस्ट है इसको घी भी या तेल बेल में किसी में फ्राई करने का नहीं, बिकॉज रेड जो है ब्राउन जो है तो इतना फ्राई करने का नहीं। ये आइडिया मेरा है, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, बट ये मैं स्टेप अवॉइड करती हूँ। सो इसके लिए हमने जो अभी रबड़ी बने उसमें जस्ट मैंने 2 टीस्पून जो शुगर डाला, शुगर नहीं डाला, बिकॉज जो हमारी ये टोस्ट है वो बेचारा अच्छे से शुगर की चांसरी पी लेगा। सबको टर्न करती हूँ। तो ये मुझे रेसिपी जरूर बताने कि आपको कैसी लगी, विदाउट मिल्क पाउडर, विदाउट कंडेंस मिल्क, मावा बावा सबके बिना, ज्यादा सबको रखने का नहीं। पलट पलटती नहीं रे, हाँ वो अभी इसको अभी सर्विंग प्लेट में तो नहीं निकालने का, दोनों तरफ हो जाए तो इसको दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ और इसको जरा ठंडा होने देती हूँ, तो दूसरे प्लेट में सब निकाल लेती हूँ इधर ऐसा। आप देख रहे हो जो हमारी रबड़ी थी अच्छे से उबल गई है साथ में, और दूध भी आपने देखा होगा कितना रिड्यूस हो गया है। अभी गैस स्लो की हूँ एंड ये जो मेरी केसर है, तो मुझे यहाँ से कमेंट में बताना पूरा कलर राउंड की मस्त ना।
बस अभी ये क्या करती हूँ, इसको नॉर्मल ठंडा होने देती हूँ फ्रिज में। अभी मैं ये दूध को नहीं रखती, नॉर्मल एकदम ठंडा हो जाता है। फिर हमारे ये जो ये टोस्ट के टुकड़े हैं, मैंने एक टोस्ट के दो बीच में से ऐसे कटिंग की है, ऐसे डायरेक्ट अभी सर्विंग प्लेट में लगा लिया है। तो इसके ऊपर ये जो नॉर्मल हमारी रबड़ी हो जाती है ना ठंडी, फिर वो बाद में ऐड करते हैं। अभी गर्मा गर्म ऐड मत करना, बिकॉज जो जो चाशनी का उसने ये रस पिया है ना, मतलब शक्कर का, वो अंदर से एब्जॉर्ब होने दो, फिर बाद में रबड़ी डालना। तो इसको अच्छे से थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, बाद में ये रबड़ी ऐड करती हूँ, आपको सर्व करके। आप देख सकते हो हमारी ये रबड़ी ठंडी हो गई है। अभी इसे डालती हूँ। तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी स्टाइल का शाही टुकड़ा कैसे लगा, जो टोस्ट से बना हुआ है। मेरी मम्मी ने वो अलग बनाती है, इसको घी में फ्राई भी करती है, बट मैं थोड़ा अलग बनाती हूँ, आपको बताती हूँ। तो और अभी आप इसको ठंडा करके खा सकते हो। अभी टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लुक नाइस। अभी इसके ऊपर फिर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डेकोरेशन करती हूँ, बताना है। तो ऐसे कमेंट में बताना है कि आपको ये शाही टुकड़ा मेरे स्टाइल का टोस्ट से, विदाउट घी, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट मिल्क पाउडर, मावा, मलाई, सबके बिना, ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसे फुंडेटा, एंड पहली बार देखो तो रेड कलर का सब्सक्राइब एंड बाजू में बेल का निशान जरूर दबाना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।